हमारे पास आ चुका है वीवो का नया स्मार्टफोन वीवो V30 Pro 5G स्मार्टफोन। फोन में ढेर सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। ये फ़ोन आता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में। साथ ही इसमें मिल जाता है आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, साथ ही इसमें मिल जाती है आपको कर्व डिस्प्ले। तो ये फ़ोन आपके इस्तेमाल के लिए कैसा है, साथ ही कंज्यूमर इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सौरभ वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech Ed। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन की। तो इससे पहले आप ऑनलाइन वीडियो में बहुत बार वीवो के इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन देख चुके होंगे। अगर आप वीवो X सीरीज के स्मार्टफोन देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसी डिज़ाइन मिलेगी जिसमें आप जो कॉर्नर देखेंगे वो थोड़े कर्व रहेंगे। इसके अलावा जो फ्रंट का डिस्प्ले है वो भी कर्व डिज़ाइन में आता है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा। वहीं ये फ़ोन आता है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में। इसके अलावा अगर पीछे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे की तरफ एक बड़े सरफेस पर ऑरा लाइट का सपोर्ट दिया गया है जो आपकी नाइट फोटोग्राफी को काफ़ी इन्हेंस करने वाली है। अगर इन्हेंस फील की बात की जाए तो ये फ़ोन आता है 188 ग्राम के साथ में, मतलब काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन है। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से ये फ़ोन बेहद अच्छा है। आपको इसकी डिज़ाइन कैसी लग रही है? डिज़ाइन के वाइज तो सही है, लाइक द कर्व एजेस आर प्रीटी गुड एंड लाइक थिकनेस भी सही है तो, और होल्ड करने में भी सही है। वेट जिस हिसाब से फ़ोन का वो भी ठीक है और स्लिम है, मेन बढ़िया ये लगा। इसकी डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया है अगर देखें तो। इसका डिस्प्ले भी बहुत आई गेस HD क्वालिटी का है, मतलब इसका वजन भी ज़्यादा नहीं है। इन हैंड फील अच्छा है? इन हैंड फील इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। डिज़ाइन फ़ोन का एक्चुअली थोड़ा स्लिम है, ये अच्छा लगा मुझे, प्रीमियम है। अगर फ़ोन के डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो ये फ़ोन आता है 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ में, मतलब आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। ये फ़ोन फुल HD डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, ऐसे में जब आप कोई वीडियो देखेंगे तो उस दौरान काफ़ी अच्छी आपको क्लैरिटी मिलेगी वीडियो के मामले में। तो ब्राइटनेस, कलर्स और क्लैरिटी के मामले में डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन काफ़ी बेहतर लग रहा है। बजट रेंज में कर्व डिस्प्ले मिलना और इतना पीछे से स्लीक मिलना इम्पॉसिबल। डिस्प्ले भी बहुत आई गेस HD क्वालिटी का है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है, मतलब आपको जब डिस्प्ले यूज़ करेंगे तो काफ़ी स्मूथ मिलेगी। देखने से लग रहा है कि अगर 4-5 या 6-7 ऐप एक बार में यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा से काम कर रहा है। अगर फ़ोन के कैमरे की बात की जाए तो ये फ़ोन आता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। रियर में आपको 3 50 मेगापिक्सल वाले कैमरा सेंसर मिल जाते हैं, जबकि फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है जिससे काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक होती है। अगर रियर कैमरे की बात किया जाए तो जो मेन कैमरा है वो आता है 50 मेगापिक्सल के साथ में। इसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल के साथ में आता है, लेकिन उसमें अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा एक और 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। अगर इसके कैमरा मोड की बात करें तो फ़ोन में आपको कई सारे कैमरा मोड मिलेंगे। इसमें आपको नाइट फोटोग्राफी का ऑप्शन मिलता है जो आता है 4x जूम सपोर्ट के साथ में। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 4x जूम का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही अगर और मोड की बात किया जाए तो इसमें माइक्रो मूवी का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसके लिए इसमें खास तौर पर माइक्रो मूवी का सपोर्ट मिलेगा जिससे आप काफ़ी अच्छे वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। मोड में अगर जाएं तो इसमें आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, हाई रेजोल्यूशन, फूड और लाइव फोटोग्राफी जैसे कई सारे कैमरा मोड मिल जाएंगे। तो आप डिस्प्ले पर देखिए इस फ़ोन से क्लिक की गई फ़ोटो और वीडियो और ख़ुद ही तय करिए कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। कैमरा क्वालिटी इज़ गुड, वेरी गुड। फुल HD लग रहा है, मतलब हाँ जी कैमरा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। इसमें अगर जो व्लॉगर लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो क्लिक करते हैं या बहुत लोग अभी इन्फ्लुएंसर बन गए हैं तो उनके लिए ये फ़ोन बहुत बढ़िया होने वाला है आई गेस। कैमरा के लिए जो इन्होंने लेंस यूज़ किया Zeiss के, इट्स वेरी वंडरफुल थिंग बिकॉज उनके साथ कोलैबोरेशन इज़ लाइक द मोस्ट गुड थिंग। एंड लाइक जो उन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है फॉर जूमिंग द लाइक टेकिंग द पिक्चर ऑफ मून और समथिंग, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ की है उन्होंने। सो दैट वुड बी अ वेरी एडेड एडवांटेज टू दिस फोन। कमी लग रही है फ़ोन में? कमी आई वुड से लाइक वायरलेस चार्जिंग ऐड कर देते तो बहुत सही हो जाता, और लाइक इसके कॉम्पिटिटर में आएगा इस मोटरोला है कि जो स्टॉक एंड्रॉयड बेचता है, बट एनी वे लाइक वीवो प्रोवाइड्स अ ऑलराउंड परफॉर्मेंस सो नो वरीज इन दैट। अगर फ़ोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो ये फ़ोन आएगा मीडियाटेक Dimensity 8200 चिपसेट के साथ में।
साथ ही इसमें मिल जाएगा 8GB रैम और 12GB रैम का सपोर्ट, मतलब दो स्टोरेज वेरिएंट में फ़ोन आने वाला है। अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे में जब आप गेमिंग करेंगे या मल्टीटास्किंग करेंगे तो उस दौरान काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर यूज केस की बात किया जाए तो हमने इसमें ढेर सारे गेम्स खेले हैं, मल्टीटास्किंग किया है, तो उस दौरान फ़ोन कहीं भी लैग या हीट का इशू नहीं आता है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है खासतौर पर प्रोसेसर के मामले में। अच्छा, ये आप इसे ख़रीदना चाहोगे? इसकी प्राइस क्या होने वाली? 30,000 के आसपास। बढ़िया है, अगर 12256 में 25 के 28 के आसपास अगर मिलेगा तो बढ़िया है। ये बस 30,000 का? हाँ, 30,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में आने वाला है। अगर इसके आसपास भी आता है तो ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है फिर इस मामले में। आप किसी को ख़रीदने के लिए बोलोगे फ़ोन को? अगर बजट है तो अच्छा है फ़ोन, तो आप ख़रीदना चाहोगे? या आई गेस आई हैव ऑलरेडी परचेस अ फोन रिसेंटली, बट मैं किसी और को रिकमेंड करूँगा जिसको ऑलराउंड परफॉर्मेंस और थोड़ा कैमरा अच्छा चाहिए। बैटरी चार्ज की बात करें तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। जब हम इसका यूज़ कर रहे थे तो यूज़ केस में मुझे ऐसा मालूम चला कि ये फ़ोन एक सिंगल चार्जिंग में पूरा दिन आराम से निकाल देता है, तो ये मेरे यूज केस में एक बेहतर बैटरी वाला स्मार्टफोन बन जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहे।